को बेटी का टिकट मिल गया, किसी के बहू को टिकट मिल गया, तो कांग्रेस में क्या और कद्दावर नेता नहीं थे जिनको टिकट दिया जा सकता है? कितना सीट पर कांग्रेस और अन्य जो आपके गठबंधन है जेएमएम वो जीत रही है? 35 करोड़ कहाँ पकड़ाया? 350 करोड़ कहाँ पकड़ाया? भाजपा कह रही है कि 5 लाख वोट से जीतेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। जोहार, नमस्कार, मैं हूँ शुभेंदु पंडित, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। देश में लोकतंत्र का महापर्व अब अंतिम चरण में है, जहाँ 1 जून को देश के 8 राज्यों के 57 लोकसभा सीटों पर मतदान जो है किया जाएगा। लेकिन जो अब तक के चुनाव हुए हैं, जो रुझाने आई है, जहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं रैली में कि अब की बार 400 पार। वहीं कांग्रेस गठबंधन के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार बाहर। अब क्या वाकई में देश में मोदी सरकार पुनः आ पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन की जो है सरकार बनेगी? हमारे साथ बात करने के लिए हैं मुकेश अग्रवाल, जो झारखंड कांग्रेस में राजनीति करते हैं और कांग्रेस के नेता हैं। उन्हीं से जानते हैं, सीधा सवाल लेते हैं, इस बार मोदी सरकार के नेताओं का जो दावा है कि अब की बार 400 पार, क्या कहना चाहेंगे इस नारों पर? मोदी जी का 400 पार नारा है, इसका मतलब ये है कि तेल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, राशन हर चीज 400 पार, यही 400 पार का नारा है। अगर वो नारा लगा रहे हैं वोटिंग का कि 400 पार ला रहे हैं, तो इतना चैलेंज के साथ वो कैसे बोल सकते हैं कि हम 400 पार लाएंगे? अभी अमित शाह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कांग्रेस 40 के नीचे सिमट जाएगी, तो वो किस प्रकार दे रहे हैं? क्या लगता है आपको कि कितना सीट आएगा? इस बार बीजेपी 195 में सलट जाएगी, 195 से बेसी नहीं आएगी। सरकार किसकी बन रही है? सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है और हम लोग जीत घोषित कर दिए हैं। सिर्फ 4 जून को विजय रैली की पूरा देश में भव्य तैयारी चल रही है। ये बताइए कि आप जो अपना दावा कर रहे हैं, दावा में कितना सच्चाई है? क्योंकि जो चुनाव हुए, चुनाव में रांची लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि आपका तो बूथ पर भी आदमी नहीं बैठा था। बीजेपी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। जब किसी के पीछे ईडी लगा सकते हैं तो उनके के लिए हर चीज़ जिए है। आपके नेता जो भ्रष्टाचार में फंस रहे थे, ईडी नहीं लगेगा? मेरे नेता बीजेपी के नेता नहीं है? मैं बोलता हूँ बीजेपी के नेता पर ये किए करें, उसके बाद समझ में। 35 करोड़ कहाँ पकड़ाया? 350 करोड़ कहाँ पकड़ाया? अब बीजेपी पास भी तो है, बीजेपी का निकले वो तो ये कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि आप रघुवर दास पे जब केस खुलने वाला था, तो उनको तुरंत रातों अनंत फनन में रातों रात उनको ये बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया। और भी तो बहुत सारे नेता हैं, कहाँ उनके ऊपर जो है आप लोग दावा, उनके ऊपर जो आवाज़ उठती है दबा दिया जाता है। अब इधर से कांग्रेस के नेता हैं जिनके ऊपर ईडी लगाते हैं, वो भाग जाते हैं कांग्रेस में, बीजेपी में भाग जाते हैं, तो दूध के धुले हो जाते हैं। अच्छा, इस बार राजनीतिक जो चुनाव हुआ, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अब तक यहाँ पर 11 लोकसभा सीटों का चुनाव हो चुका है। आप झारखंड में राजनीति करते हैं, कितना सीट पर कांग्रेस और अन्य जो आपके गठबंधन है जेएमएम वो जीत रही है? कांग्रेस और जेएमएम इस बार 8 से 9 सीट ला रही है। रांची में आप जीत रहे हैं? रांची 1.5 लाख के अंतर से जीत रहा हूँ। अभी जो हाल फिलहाल 25 मई को चुनाव हुआ 4 लोकसभा क्षेत्र का, उसमें इंडिया गठबंधन कहाँ पर है? इसमें इंडिया गठबंधन आपका 3 सीट ला रही है। लोग कह रहे हैं कि जो आपके उम्मीदवार हैं, जैसे सस्वनी सहाय जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, वो पैरासूट से उतरी, ना तो उसको राजनीतिक ज्ञान है ना सामाजिक ज्ञान है। वो संजय सेठ का मुकाबला किस प्रकार से कर रही थी? संजय सेठ का मुकाबला, देखिए पब्लिक इस बार जागरूक हो गई है, पब्लिक जानती है कि जो राजनीति में घुसे हुए हैं, जो नेता हैं, ठीक है, वो घुमाएंगे फिराएंगे ही, ठीक है। इस बार नया को चांस दें, जिसको कुछ नहीं आता हो, वो उनके पास हम जाएंगे तो काम करेंगे। इसलिए पब्लिक सस्वनी सहाय जी को पूरा एकजुट होकर के वोट दिए हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र है रांची लोकसभा क्षेत्र में, कितना विधानसभा में लगता है कि जो है वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा है और मतलब लगता है कि एकदम जीत ही जाएगी कांग्रेस? 6 में 6 विधानसभा, 6 में 6 विधानसभा। ये तो भाजपा वाले हैं, मैं इससे पहले भी बोला, फिर बोल रहा हूँ, उनके के लिए हर चीज़ मुमकिन है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। ये बताइए कि कांग्रेस
अगर सरकार नहीं बना पाई जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, तो बीजेपी के दावे में आपका क्या बयान होगा और किस आधार पर जो है आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है? क्योंकि पब्लिक जागरूक हो गए हैं। पब्लिक ऐसा नहीं कि जागरूक हुआ तो आप ही को वोट दे दे, एकदम पब्लिक देंगे ही, दिए हैं, पूरा विश्वास कर रहे हैं पब्लिक, इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, ठीक है, और कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रही है, बिजनेस के नाम पर राजनीति कर रही है कांग्रेस, और महंगाई के नाम पर लड़ रही है। ये बताइए, देश में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है? बहुत ज़्यादा है महंगाई और बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा मुद्दा है। तो आखिर इतना बड़ा मुद्दा को आप जनता के बीच समझाने में असफल क्यों रहे? जनता के बीच असफल इसलिए रहा, ठीक है, हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को मोदी पाठ ऐसा पढ़ा दिया गया है, मतलब धर्म के नाम पे, ठीक है, तो जनता सिर्फ धर्म के नाम पे ही ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ जनता जाग गए हैं, जाग गए हैं कि नहीं, धर्म के नाम पे हमें कुछ नहीं होना है। अगर मान लीजिए पेट में रोटी रहेगा तभी हम धर्म के लिए लड़ेंगे, पेट में रोटी नहीं रहेगा और राशन खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, नौकरी नहीं रहेगा, तो हम धर्म के लिए कैसे लड़ेंगे? हम जिंदा नहीं रहेंगे तो धर्म के लिए क्यों लड़ेंगे, धर्म कैसे बचाएंगे हम? पब्लिक जागरूक चुके हैं, लोगों का कहना है कि धर्म बचेगा तब देश बचेगा तब लोग बचेगा, बीजेपी नेताओं का कहना है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा कहना है और कि हम बचेंगे, जनता बचेगी तब धर्म बचेगा, रोटी बचेगी और लोग बचेंगे तब हम धर्म बचा सकते हैं, हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो धर्म किस प्रकार बचेगी? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि झारखंड में जो 4 लोकसभा सीट का चुनाव 25 मई को हुआ, रांची, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, इन चारों जगहों पर जो कैंडिडेट है, जो मुकाबला में है, कमज़ोर कैंडिडेट देने की बात सामने आ रही है कि जहाँ जिनको राजनीतिक ज्ञान नहीं था, किन्हीं को बेटी का टिकट मिल गया, किसी के बहू को टिकट मिल गया, तो कांग्रेस में क्या और कद्दावर नेता नहीं थे जिनको टिकट दिया जा सकता है बहू और बेटी को छोड़ करके? बिल्कुल, क्यों नहीं, बेटी को इसलिए दिया गया क्योंकि वो युवा, एक शिक्षित और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली, जिसके नाम से यशस्वनी झलकती है, वो यशस्वनी सहाय को कांग्रेस विश्वास करके दिए, और वो यशस्वनी सहाय इस बार भाजपा को 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख वोट से मात देगी। आप कांग्रेस की राजनीति झारखंड में करते हैं, आप ये बताइए कि झारखंड की राजनीति में कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर क्यों हो रही है, उसका संगठन धीरे धीरे कमज़ोर क्यों हो रहा है, हमेशा वह JMM के जो है बैसाखी पर क्यों चल रही है? ये गलत सोचना है, ठीक है, JMM की बैसाखी पे नहीं चल रही है, JMM के साथ और मिल करके साथ चल रहे हैं। अंतिम सवाल है, लगता है कि 4 जून को रिजल्ट निकलेगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में? बिल्कुल, 348 सीट इंडिया गठबंधन की आना तय है। जैसे देश में कितना लोकसभा सीट है? 543 है। 543 में आप 343 आप ले लीजिएगा, बाकी मतलब 200 में बीजेपी लेंगे। 195 में बीजेपी सलट रही है। 195 में ख़त्म। चलिए, ये है मुकेश अग्रवाल जो कांग्रेस के नेता हैं और कह रहे हैं कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा इसमें इंडिया गठबंधन की जो है 350 सीट आ रही है। अब क्या कुछ रिजल्ट निकलता है वो 4 जून को ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24।